नकली बारातियों के साथ फर्जी दूल्हा धराया। कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोग कार्रवाई से बचने के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प वाकया खंडवा के मोदी ग्राम में सामने आया, जहां कोरोना कर्फ्यू से बचने के लिए एक व्यक्ति ने नकली दूल्हा बनकर प्रशासन को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। मुंदी ग्राम के माता चौक में नायब तहसीलदार कुणाल आवासिया और सीएमओ संजय गीते के कोरोना कर्फ्यू का पालन करवा रहे थे। इस दौरान बेवजह बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही थी। इसी बीच एक फोर व्हीलर को रोका गया, जिसमें वाहन की अगली सीट पर एक युवक गले में फूलों की माला पहने दूल्हा बना बैठा था। पूछताछ की गई तो चार पहिया वाहन में सवार लोगों ने कहा कि बारात ले जा रहे हैं। जब बारात की परमिशन मांगी तो अगल बगल झांकने लगे। इस बीच एसडीएम ने कड़ा रुख अख्तियार किया तो पता चला कि जिसे दूल्हा बताकर बारात ले जाना बताया जा रहा है, वह दूल्हा फर्जी था। वाहन में कोविड गाइडलाइन से ज्यादा लोग बैठे थे। गाड़ी थाने खड़ी कराने की चेतावनी दी तो कथित दूल्हे प्रदीप बमनारे ने हाथ जोड़ते हुए माफी मांगी और यह उजागर किया कि उसने माला पहनकर टीका लगाकर दूल्हे का फर्जी रूप धारण किया है। बाद में सही जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग इंदौर से सनावत हाईवे मुंदी होकर हरसूद जा रहे हैं। यहाँ हरसूद से बहन को बिठाकर भोपाल ले जाना है। फर्जी बात और फर्जी दूल्हे का मामला उजागर होने पर एसडीएम ने कथित दूल्हे पर कार्रवाई के आदेश दिए। नगर पंचायत सीएमओ संजय गीते ने कार्रवाई करते हुए 5,000 का जुर्माना किया, साथ ही चेतावनी दी गई कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करे। विगत दिनों आपको जैसा अवगत होगा, माननीय विधायक जी शहर के जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिक और उनकी उपस्थिति में जिला थाने में हमारे द्वारा एक मीटिंग की गई। इसमें सभी ने मुख्य रूप से हमें सहयोग दिया था कि इस संबंध में कोविड के नियमों का तटस्थता या कठोर पालन कराने के लिए आप लोग कार्रवाई करें। उसके पालन में हमारे द्वारा यहाँ पर सतत कार्रवाई की गई। तो वाहन में बैठ के फर्जी दूल्हा कोई आपके समक्ष आया था, उस पर आपने क्या कार्रवाई? उस संबंध में हमारे जो वाहन को जो चेकिंग कर रहे थे हम लोग, उस संबंध में जब देखा गया तो वाहन में एक व्यक्ति माला पहना हुआ था। हमने पूछा तो बोले भैया दूल्हा है, तो मैंने दूल्हा है तो इस संबंध में आप जिस जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे संबंधित एसडीएम सर, माननीय तहसीलदार वगैरह या जो संबंधित अधिकारी उनके द्वारा आपको कोई विवाह अनुमति के लिए कोई प्रमाण पत्र दिया गया है या कितने लोगों को विवाह कार्य में जाने के लिए अनुमति आपने ली है, वो उनके पास नहीं थी। जब नीचे उतार के उनके पेनल्टी करके उनके वाहन को माननीय एडीएम सर के आदेश से थाने पहुँचाने की कार्रवाई करने लगे तो उनके बीच में से वरिष्ठ लोग और कुछ उतर गया। उन्होंने कहा कि भैया ये सब हमारे ऐसा कुछ नहीं है, विवाह का कोई कार्यक्रम नहीं, हम लोग तो बाहर से आ रहे थे और हमने इस चीज़ का ये उल्लंघन किया। कार्रवाई से बचने के लिए दूल्हा बना था, कार्रवाई के बचने के लिए दूल्हा बन गया। और उन्होंने सोचा कि जहाँ से आते जा रहे हैं तो प्रशासन कोरोना से बचाव करने के लिए अपने अपने आसपास क्षेत्रों में कार्रवाई कर रहा है, लेकिन लोगों ने एक नए नए चीज़ें बना ली कि भाई इससे बच जाएं। कोई मेडिकल का कागज ले आ रहा है, कोई दूध की केटली लेके आ रहा है, जबकि प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। तो उसके लिए हमने फिर उसके ऊपर जुर्माने कार्रवाई के लिए एडीएम साहब ने उस पर 5,100 रुपये जुर्माना किया। जुर्माने के बाद उनका वाहन छोड़ा गया और उनको सभी को हम सूचित करते कि बहाने ना ढूंढे कि कोरोना के आगे कोई बहाना ना चले। कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, निरंतर जारी रहेगी जब तक मध्य भारत सरकार, गृह मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन और इनके जो कोरोना की विषम परिस्थिति हम लोग निपट नहीं लेते हैं, जब तक निरंतर जारी रहेगी, जनता का ही पहले। तेज न्यूज आपसे अपील करता है, कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए शासन के आदेशों का पालन करें, घर में रहे, सुरक्षित रहे, मास्क का उपयोग करे। तेज न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। तेज न्यूज की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।